@StarGK23. परिचय। नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्री है। नेत्र हमें हमारे आसपास की खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए सक्षम बनाती है। आओ हम इस अद्भुत ज्ञानेंद्री के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मानव आंख के कुछ हिस्सों की व्याख्या करना, आंखों के दोषों को विस्तृत करना, आंखों के अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सावधानियां बरतना, ब्रेल पद्धति पर टिप्पणी करना। मानव नेत्र। आंखें लगभग 2.3 सेंटीमीटर के व्यास के साथ गोल होती हैं। हम हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में तब सक्षम होते हैं जब प्रकाश उत्सर्जित या उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यह ऑप्टिक नसों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब के संकेत भेजता है। आगे हम विस्तार में आंख की संरचना का अध्ययन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लेबल पर क्लिक करें। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। कॉर्निया या स्वच्छमंडल,
यह आंखों का सामने का पारदर्शी भाग है, मानव नेत्र। अधिक जानकारी के लिए लेबल पर क्लिक करें। रेटिना, रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है जो कि आंखों के पीछे होता है। यह एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली है जो एक कैमरे की स्क्रीन के समान होता है। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना के प्रकाश के प्रति संवेदनशील अभिग्राहक को छल और शंकु कहा जाता है। रेटिना, रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है जो कि आंखों के पीछे होता है। यह एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली है जो एक कैमरे की स्क्रीन के समान होता है। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना के प्रकाश के प्रति संवेदनशील अभिग्राहक को छल और शंकु कहा जाता है। रेटिना, रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है जो कि आंखों के पीछे होता है। यह एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली है जो एक कैमरे की स्क्रीन के समान होता है। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना के प्रकाश के प्रति संवेदनशील अभिग्राहक को छल और शंकु कहा जाता है। रेटिना, रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है जो कि आंखों के पीछे होता है। यह एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली है जो एक कैमरे की स्क्रीन के समान होता है। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना के प्रकाश के प्रति संवेदनशील अभिग्राहक को छल और शंकु। मानव नेत्र से संबंधित शर्तें। दृष्टि की जड़ता। आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव सेकंड के 1/16 भाग तक बना रहता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक आंख को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जरूरी कम से कम दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य मानव आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि दोष। एक सामान्य आंख एक विस्तृत श्रृंखला में सभी वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकती है, लेकिन कुछ असमानताओं के कारण जब आंख एक विस्तृत श्रृंखला में एक सीमा के आगे नहीं देख सकती तो इसे दोषपूर्ण माना जाता है। आंखों में दोष। निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता। दृष्टि दोष के कारण एक आंख दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। दृष्टि के इस दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दीर्घ दृष्टि या दूरदर्शिता। दृष्टि दोष के कारण एक आंख आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। दृष्टि के इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मोतियाबिंद। दृष्टि दोष के कारण लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ऐसे लेंस के माध्यम से रोशनी रेटिना तक नहीं पहुंचती है। दृष्टि के इस दोष को सुधारने के लिए अपारदर्शी लेंस हटाकर एक नया कृत्रिम लेंस डाला जाता है। आंखों की देखभाल। आंखें नाजुक और कीमती हैं, इसलिए हमें हमारी आंखों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें आंखों के लिए कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। बहुत कम या बहुत ज्यादा प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य या एक शक्तिशाली प्रकाश की तरफ सीधे ना देखें। सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को सीधे देखने की कोशिश ना करें। आंखों को कभी ना रगड़ें। आंखों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। हमेशा दृष्टि से सामान्य दूरी पर पढ़ें। लंबे समय के लिए कंप्यूटर पर काम के दौरान हमेशा कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें झपकें और उन्हें हर आधे घंटे के दौरान बंद करें। अपने संतुलित आहार में विटामिन ए जैसे
गाजर, अंडे, दूध, दही, पनीर, पपीता और आम फल की तरह विटामिन समृद्ध पदार्थ शामिल करें। ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम लुई ब्रेल द्वारा 1825 में तैयार किया गया था, जो फ्रांस का रहने वाला एक नेत्रहीन था। ब्रेल लेखन प्रणाली है जो अंधों और आंशिक दृष्टि दोष से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है। ब्रेल प्रणाली 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप है। ब्रेल पैटर्न 6 बिंदु पदों में व्यवस्थित होता है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। नेत्रहीन लोग ब्रेल लेखन प्रणाली की शुरुआत अक्षर, विशेष अक्षर और अक्षरों के समुच्चय के साथ करते हैं। सारांश। आइए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंखों के सामने का भाग मामूली उभार के साथ लगभग गोलाकार होता है। कॉर्निया, पक्षमाप पेशी, आयरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका और अंतबिंदु मानव आंखों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक सामान्य मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंख से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष।